Good morning, students. Today, we are going to continue this second one chapter, Life Process in Living Organism. We studied about how the energy is produced in our body, anaerobic respiration, aerobic respiration, as well as glycolysis, tricarboxylic acid cycles, and electron transfer chain reaction, as well as both Krebs cycles we have seen. Now, we are going to learn about our next topic which is cell division and essential life process cell division is the very very important process of our organism see cell division is takes place in animals in plants both and this is takes place in both somatic cell as well as in our germ cells now we see here what happens to the cells of injured tissue if you injured at uh, you know, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है घाव हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो वो भर जाता है इट्स बिकम हेल्थ तो कैसे हो जाता है तो वहाँ पे टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं जो ग्रो करते हैं उसकी वजह से वो भर जाता है वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ उन्ट यस दूसरे नए सेल भी तैयार होते हैं तभी तो ऊंड जो है घाव लगा हुआ है वो आपका भर जाता है डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड वेन डू वी प्लग द फ्लावर्स हाउ आर दोज ऊंड हेल्थ अगर हम कोई हाँ, प्लांट्स का लिफ तोड़ते हैं या उसका फ्लावर प्लग करते हैं तो वो कैसे ऑटोमेटिकली हील हो जाता है क्या हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ़ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफर डज द नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडीज इंक्रीजेस इफ़ यस देन हाउ हम बढ़ते हैं प्लांट्स बढ़ते हैं ग्रो करते हैं मीन्स क्या करते हैं तो ये कैसे होता है तो ये जब होता है तो उसमें सेल जो है इंक्रीज होते हैं यह नहीं होते हैं अगर इंक्रीज होते हैं तो वो कैसे होते हैं हाउ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पेसीज इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसी कैसे ही एक स्पीसी से उसी तरह का दूसरा स्पीसीज तैयार होता है मीन्स एक एनिमल से उसी तरह का दूसरा एनिमल तैयार होता है या प्लांट से उसी तरह का दूसरा प्लांट तैयार होता है तो ये सब सारे प्रोसेस होते हैं ड्यू टू सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं यह हम आगे देखेंगे सेल डिविजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ई प्रॉपर्टी की वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है अ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो अप एंड इमिसेटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर जहाँ भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होता है आपको घाव होता है या कुछ जख्म होता है कुछ होता है वो इमिजियली भर जाता है ड्यू टू दिस सेल डिविजन देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन एज माइटोसिस एंड मियोसिस दो प्रकार के सेल डिविजन होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस माइटोसिस माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल ऑफ द बॉडी वेयर एज मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल ये जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल में होता है सोमैटिक सेल्स कहा अपने प्लांट की और एनिमल्स के सोमैटिक सेल्स में होता है ट मेक्सप्लेस इन जर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन के वक्त ये जर्म सेल्स में होता है बिफोर स्टडी द सेल डिविजन वी शूड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर इस सेल हैज ए न्यूक्लियस हर एक सेल को न्यूक्लियस होता है बिसाइड अदर सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बिसाइड दैट अदर सेल्स ऑर्गेनल्स मीन्स विच वन वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाजमा रेटिक्यूलम सो मैनी आर्थिया दो आर अल्सो प्रजेंट लेटेस्ट स्टडी द सेल डिविजन विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन तो सेल डिविज़न कैसे होता है अब ये हम इस इंफॉर्मेशन से देखेंगे बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिविजन द सेल्स डबल अप इट्स क्रोमोजोम्स नंबर प्रजेंट इन इट्स न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं और वो क्रोमोजोम्स डबल होते हैं अगर एन फो टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर देयर देन इट्स बिकम डबल फोर एन कैन यू रिकॉल वॉट इज द शेप ऑफ क्रोमोजोम गिव इट्स नेम इन द फिगर क्रोमोजोम का शेप कैसे होता है हैव यू रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड यू स्टडीड एक्चुअली द टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं क्या होते हैं ना अगर आपको आ, याद नहीं है तो फिर से वो चैप्टर आप पढ़ो आपको समझ में आएगा अ पेयर ऑफ इच क्रोमोजोम्स इज प्रेजेंट इन टू एन कंडीशन वेर एज सिंगल क्रोमोजोम्स ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन द कंडीशन एन एंड देयर स्ट्रक्चर इज़ लाइक वन शोन इन फिगर गिवन बिसाइड्स क्रोजोम क्रोमोजोम का फिगर दिया गया है आम है सेंट्रमेल्स uh, है आप इसे आप पूरा का पूरा ये जो बॉक्सेस uh, है वो आप भरोगे Uh, this is one kind of homework. Uh, mitosis, somatic cells and stem cells divided by the mitosis. So, somatic cells are divided by mitosis. Se divide hai. Mitosis is a completed through two main steps. Those two steps are karyokinesis, nuclear division, and cytokinesis, cytoplasmic division. Uh, karyokinesis is a completed through the four step. ये जो फर्स्ट स्टेप है माइटोसिस का वो दो स्टेप से होता है पहला जो होता है पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है कार्योकाइनासिस यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर से वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है फिर एक नई सेल तैयार होती है फर्स्ट वन इज़ द इन कार्योकाइनासिस फर्स्ट स्टेप इज प्रोफेज प्रोफेज में क्या होता है इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थीन थ्रेड क्रोमोजोम स्टार्ट जो क्रोमोजोम्स है उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है कम 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 होने लगते हैं ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपेयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ये धीरे धीरे साइज में कम होने लगते हैं और बाद में वो सिस्टर क्रोमेटिक क्रोमेटिड बन जाते हैं उनका पेयर फॉर्मेशन हो जाता है सेंट्रियल डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियल मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल सेंट्रियल जो है जो सेंटर में होता है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है मीन डबल हो जाता है एंड मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल और सेल के जो अपोजिट पोल है वहाँ पे मूव कर देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसपियर तो इसमें जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसर डिसपियर हो जाते हैं दे नेक्स्ट वन बी इज मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसपियर इन द मेटाफेज यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी ही खत्म हो जाती है क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकेम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिक अभी जो क्रोमोजोम्स है उनका कंडेंसेशन ख़त्म हो जाता है और उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं दिखते हैं वो ऑल क्रोमोजोम्स आर अरेंज पैरल इन इक्विटोरियल प्लेन अब ये जो क्रोमोजोम्स है ये एक दूसरे को पैरल पोजिशन ले लेते हैं सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल सेल के सेंटर में स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रमेरी ऑफ ईच क्रोमोजोम्स एड बोथ द देंट्रल्स अभी स्पिंडल्स फाइबर स्टार्ट होते हैं ये फॉर्म होते हैं सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रियोल इनके बीच में ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स बन जाते हैं देन नेक्स्ट इज एनाफेज इन एनाफेज सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड देयर बाय द सिस्टर ऑफ़ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर के uh, हेल्प uh, से ये क्रोमोसोम्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल्ड होते हैं एक दूसरे से एंड सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिक्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोजोम्स और जिस सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिक जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं डॉटर क्रोमोजोम्स डॉटर क्रोमोजोम्स आर फॉम क्रोमोजोम्स बिंग पुल्ड अपियर लाइक अ बंच ऑफ ये क्रोमोजोम्स कैसे दिखते हैं जस्ट लाइक अ बंच ऑफ बनानस इन दिस वे इज सेट ऑफ क्रोमोजोम रिच टू टू अपोजिट्स पोल ऑफ द सेल्स तो ये दोनों अपोजिट्स पोल है उनकी तरह ये अट्रैक्ट हो जाते हैं वापस जाके सेट हो जाते हैं नेक्स्ट वन इज टेलोफिक्स द क्रोमोजोम्स विच हैव रिच एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल नाउ स्टार टू डी कंडेंस पहले जो हो गया कंडेंस धीरे धीरे साइज में कम हो गए अब ये बड़े हो रहे हैं ये क्या हो रहा है डी कंडेंस हो रहे हैं ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थीन एंड इनविजिबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोजोम रिच अ एट अ पोज थर्स टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म इन अ सेल अब दो न्यूक्लियर डॉटर सेल्स एक ही सेल में तैयार हो गए न्यूक्लियोलस आल्सो एपियर्स अभी न्यूक्लियोलस दिख रहे जो एक के दो डिवीजन हो गए ना न्यूक्लियस के उसके बोलते हैं न्यूक्लियोलस अल्सोपल नीच डॉटर न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर्स कम्प्लीटली डिसपियर अभी सिंगल फाइबर ये कंप्लीटली डिसपियर हो गया इन दिस वे द कार्योकाइनेसिस कम्पलीटेड एंड साइटोकाइनेसिस बिकेम अभी ये कार्योकाइनेसिस कम्प्लीट हो गया अभी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मीन्स डिवीजन इन साइटोप्लाजिम एंड कैरोकैनसिसविजन इन न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म का होता है uh, कैसे होता है देखते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकैनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड एज ए डॉटर सेल इन दिस प्रोसेस ए नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिप डिपेंस ग्रेजुअली एंड दे आर बाई टू न्यू सेल्स आर फॉर्म साइटोकैनिस कैसे होता है यहाँ पे फिगर दी गई है न्यूक्लियस दो तैयार हो गए न्यूक्लियस तो बीच में ही साइटोप्लाजम डिपर डिपेंस हो गया और उसके बाद दो स्ट्रेचिंग करने के बाद दो नए सेल्स तैयार हो गए आप 2.7 ये सेवन का फिगर दे सकते हैं इसे आपको पता चलेगा हायर इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलॉन्ग मिड लाइन ऑफ द सेल तो यहाँ पे सेल के मिडल में यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया है नॉच फॉर्म हो गया है एनिमल्स में सेल्स में नॉच फॉर्म होता है लेकिन प्लांट्स में क्या फॉर्म होता है सेल प्लेट फॉर्म होती है इट इज़ फ्राम एग्जैक्टली अलॉन्ग मिड लाइन ऑफ द सेल एंड थर्स साइटोकाइनेसिस इज कम्प्लीटेड और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी माइटोसिस अगर एब्सेंट है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी ही नहीं आपको जब लगता है कटता है या आपकी हाइट बढ़ती है आप बड़े हो जाते हो प्लांट्स uh, अगर देखते हो तो प्लांट भी छोटे प्लांट जब लगाते हैं तो छोटे होते हैं लेकिन बाद में वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये सब क्यों होता है बिकॉज ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस माइटोसिस के प्रोसेस से ही होता है अगर ये माइटोसिस नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी और आप ज़्यादा रह भी लाइफ जी भी नहीं सकते हो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस सेल डिवीजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप कुछ लगता है कटता है तो आप कुछ लगाते हो तो घाव भर जाता है मीन्स वहाँ पे सेल्स डेवलप हो जाती है अगर कुछ नहीं लगाते हो फिर भी ऐसे ही अपनी बॉडी उसे भर देती हो घाव को भर देती है क्योंकि वहाँ पे माइटोसिस हो जाता है बिसाइड दिस इट इज़ नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इम्यटेड बॉडी आपकी बॉडी के रिस्टोर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है उन हीलिंग उन हीलिंग तो उससे होता ही होता है उसके लिए भी आपको माइटोसिस चाहिए अगर आपको माइटोसिस नहीं होता है ठीक से तो आपको उन हीलिंग होगा ही नहीं आपकी जख्म भरेगी नहीं ये हिमोफीलिया के नामक एक डिसीज़ है वहाँ पे क्या होता है उसमें ये माइटोसिस ज़्यादातर नहीं पाया जाता है इसके लिए क्या होता है खून निकलता है तो खून निकलते ही रहता है हीमोफीलिया एक बीमारी है उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है क्लॉटिंग नहीं होती है मीन्स टिश्यूज़ फॉर्म नहीं होते है। और टिश्यूज फॉर्म होते नहीं है मीन्स माइटोसिस नहीं होता है इट इज़ नेसेसरी फॉर मीन्स घाव लगने के बाद हीमोफीलिया में घाव लगने के बाद ऐसा होता है वैसे तो बॉडी पूरी की पूरी ग्रो करती है तो माइटोसिस होता है लेकिन जब घाव लगता है खून निकलता है तो फिर उस वो हाफ पे वो नहीं होता है मीन्स वो बॉडी रेस्टोरेशन ऑफ इमिसेट बॉडी नहीं होता है ओन हीलिंग नहीं होता है और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी हमको ये माइटोसिस की वजह से ही होता है आपका ब्लड ब्लड में जो भी सेल्स है इंक्रीज होते हैं वो सब माइटोसिस की वजह से ही होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है दिस प्रोसेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ इट्स इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट असेंशियल प्रोसेस इन आवर लाइफ इट्स अ माइटोसिस माइटोसिस ये है बाद में हम देखेंगे मियोसिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर टिल देन गुड बाय